हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पे इंस्टीट्यूट। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वीडियो जो कि रिगार्डिंग डिसीजन ट्री के ऊपर। डिसीजन ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स फॉर सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम्स। क्यों? दिस इज यूज फॉर क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन टास्क। इट बिल्ड्स अ फ्लो चार्ट लाइक स्ट्रक्चर। भाई जब ट्री की बात हो रही है तो भाई समझ जाओ, बाइनरी ट्री वाले सारे डेटा स्ट्रक्चर वाले सब कुछ वो वहां ले आओ यार। ट्री की बात हो रही है, यहाँ पर रूट होगा, उसके दो चाइल्ड होंगे, वही चीज है भाई। इट बिल्ड्स अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर वेयर ईच इंटरनल नोड डिनोट्स अ टेस्ट ऑन द एट्रीब्यूट। ईच ब्रांच रिप्रेजेंट्स द आउटकम ऑफ द टेस्ट एंड ईच लीफ नोड्स टर्मिनेट्स टर्मिनल नोड होल्ड्स अ क्लास लेवल। समझो, फिर से समझो, हर एक जो इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड अंदर की नोड, वो डिनोट कर रही है टेस्ट ऑन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट के ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं उनको वो सिंबलाइज कर रही है। टेस्ट जो हो रहा है ना एट्रीब्यूट के ऊपर, जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं एक फीचर के ऊपर, जो हम टेस्ट कर रहे हैं उनको वो सिग्निफाई करता है। हर एक जो ब्रांच है, जो ब्रांच होती है ना, उसको वो रिप्रेजेंट कर रही है आउटकम ऑफ द टेस्ट। उस टेस्ट से क्या आउटकम आया, नोड के ऊपर तुमने टेस्ट लगाया और उस टेस्ट से क्या आउटकम आया। ठीक है, दो आउटकम आएंगे, या तो ये या तो ये, तो इसी तरीके से ब्रांचेस बनती जाएंगी। ठीक है, और जो लीफ नोड है वो तुम्हारा क्लास लेबलाइज करता है। इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय रिकर्सिवली स्प्लिटिंग द ट्रेनिंग डेटा इंटू सबसेट्स बेस्ड ऑन दी वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स अंटिल स्टॉप क्राइटेरियन इज मिस्ड मीट सच एज मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री और मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ नोड। तो ये कंस्ट्रक्ट करेगा रिकर्सिवली स्प्लिटिंग, जो रिकर्सिवली स्प्लिट करता जाएगा जो ट्रेनिंग डेटा है उनको सबसेट्स के अंदर, कि सबसेट्स के अंदर तोड़ता जाएगा बेस्ड ऑन उनकी वैल्यूज ऑफ द एट्रीब्यूट्स। उनकी एट्रीब्यूट्स की कितनी वैल्यूज है उस आधार के ऊपर वो उसको तोड़ता जाएगा। ठीक है, सबसेट्स के ऊपर तोड़ता जाएगा भाई कितने सारे एट्रीब्यूट्स है, और उन एट्रीब्यूट्स को सबसेट्स के अंदर स्प्लिट करता जाएगा, रिकर्सिवली करता जाएगा, जब तक कि वो क्राइटेरिया को मीट ना कर जाए। या फिर जो जैसे कि मैक्सिमम हाइट पे, ट्री की जो मैक्सिमम हाइट है वहां पर पहुंच गए, या मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल्स रिक्वायर्ड टू स्प्लिट अ नोड, तो यहाँ इन दो कंडीशन पे जब तक हम ना पहुंचे तब तक वो रिकर्सिवली काम करता रहेगा। ड्यूरिंग ट्रेनिंग द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम सेलेक्ट्स द बेस्ट एट्रीब्यूट टू स्प्लिट द डेटा बेस्ड ऑन अ मैट्रिक सच एज एंथ्रोपी और गिन्नी इम्प्योरिटी। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रेनिंग के दौरान जो डिसीजन ट्री एल्गोरिदम है वो सेलेक्ट करता है अपने बेस्ट एट्रीब्यूट को डेटा को स्प्लिट करने के लिए। किसके आधार पे? मैट्रिक के आधार पे। कौन कौन से मैट्रिक है? एंथ्रोपी। एंथ्रोपी याद कर लो गाइस, एंथ्रोपी। एंथ्रोपी रेंडमनेस नहीं है जो आपने पढ़ा था केमिस्ट्री के अंदर, एंथ्रोपी रेंडमनेस। या फिर गिन्नी इंप्योरिटी की बात कर लो भाई, गिन्नी मेरी एक दोस्त का भी नाम है, तो उसकी इंप्योरिटीज का बात कर लो, विच मेजर्स द लेवल ऑफ इंप्योरिटी और रेंडमनेस इन द सेट। ये गिन्नी इंप्योरिटी क्या डिटरमाइन करता है कि भाई इंप्योरिटी कितनी है, रेंडमनेस कितनी है सबसेट के अंदर, कितना रेंडमाइज्ड है अपना डेटा सेट, जो सबसेट है वो कितना रेंडम है। इसीलिए एंथ्रोपी की बात हो रही है भाई। रेंडमनेस आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, वही है। द गोल इज टू फाइंड द एट्रीब्यूट दैट मैक्सिमाइजेस द इंफॉर्मेशन गेन और रिडक्शन इन द इंप्योरिटी आफ्टर द स्प्लिट। जो गोल है वो है कि हम फाइंड करें एट्रीब्यूट को जो कि मैक्सिमाइज करता है इंफॉर्मेशन गेन को, या फिर रिड्यूस करें इंप्योरिटीज को आफ्टर स्प्लिट। डिसीजन ट्री क्या है यार? एक डिसीजन ट्री इज अ फ्लो चार्ट लाइक ट्री स्ट्रक्चर वेयर ईच इंटरनल नोड डिनोट्स द फीचर। जो इंटरनल नोड है वो एट्रीब्यूट या फीचर को रिप्रेजेंट करता है। ब्रांचेस डिनोट करती है रूल्स को, जो ब्रांचेस है उसके वो उसके रूल्स को डिनोट करती है। एंड लीफ नोड डिनोट करता है रिजल्ट ऑफ द एल्गोरिथम, जो उसका रिजल्ट आएगा उसको तुम्हारा लीफ नोड डिनोट करता है। एक बार फिर से गाइज, फीचर इंटरनल नोड, ब्रांचेस रूल्स, लीफ नोड उसके फाइनल आउटकम। मैं लिख देता हूं, देखो आपको ट्री जैसा बना के दिखाता हूं तब ज्यादा समझ में आएगा। ये हो गया आपका, सो ये नोड हो गए, ये नोड आपके फीचर्स हैं, ब्रांचेस आपके रूल्स हैं, और जो फाइनल जो लीफ नोड है, जो फाइनल नोड है वो आपकी क्लास हो गई। ठीक है, सो इट इज अ वर्सेटाइल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। क्यों है भाई?
दोनों के अंदर ही काम में आती है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों ही प्रॉब्लम में काम आती है। इट इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल एल्गोरिथम्स एंड इट इज ऑल्सो यूज इन रैंडम फॉरेस्ट टू ट्रेन और डिफरेंट सबसेट ऑफ ट्रेनिंग डेटा विच मेक्स रैंडम फॉरेस्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एल्गोरिदम इन मशीन लर्निंग। क्यों भाई, उसके अंदर फॉरेस्ट की बात आ रही है तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे डिसीजन ट्रीज होंगे, तो इसीलिए डिसीजन ट्री की वजह से ही रैंडम फॉरेस्ट बहुत सारे डिसीजन ट्री एक साथ काम कर रहे हैं। रैंडम फॉरेस्ट एक बहुत ही पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिदम बन जाती है क्योंकि इसके साथ में पैरेलली बहुत सारे डिसीजन ट्रीज काम कर रहे होते हैं और हम उसके अंदर से निकालेंगे भाई साहब कौन सा क्या है क्या नहीं है। डिसीजन ट्री टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी है देख लो भाई, रूट नोड है, इट इज द टॉप मोस्ट नोड इन द ट्री विच रिप्रेजेंट द कंप्लीट डेटा सेट। पूरा जो कंप्लीट डेटा सेट है वो रूट नोड डिटरमाइन करता है। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर है डिसीजन इंटरनल नोड, अ नोड दैट सिंबलाइजेस अ चॉइस रिगार्डिंग एंड इनपुट फीचर्स। जो हम चॉइस कर रहे हैं ये सिंबलाइज करता है चॉइस रिगार्डिंग एंड इनपुट फीचर्स। इनपुट फीचर्स के अंदर हम जो चॉइस करते हैं, ब्रांचिंग ऑफ ऑफ द इंटरनल नोड कनेक्ट्स देम टू अ लीफ नोड और अदर इंटरनल नोड्स, ओके। फिर आपका आ गया लीफ और या फिर इसको टर्मिनल नोड भी बोलते हैं, द नोड विदाउट एनी चाइल्ड नोड दैट इंडिकेट्स अ क्लास लेबल और न्यूमेरिकल वैल्यूज। स्प्लिटिंग, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ नोड इनटू टू और मोर सब नोड्स यूजिंग अ स्प्लिट क्राइटेरियन और अ सेलेक्टेड फीचर्स। सेलेक्टेड फीचर्स के आधार पर तो अपन स्प्लिट करते हैं ना, ठीक है। ब्रांचेस हो गई, सब ट्रीज, सब सेक्शन ऑफ डिसीजन ट्री स्टार्ट्स एट इंटरनल नोड एंड एंड्स एट अ लीफ नोड। पेरेंट नोड, द नोड दैट डिवाइड्स इनटू वन और मोर चाइल्ड नोड्स। चाइल्ड नोड, द नोड दैट इमर्जेस व्हेन अ पेरेंट नोड इज स्प्लिट। इम्प्योरिटी क्या हो गई, अ मेजरमेंट ऑफ टारगेट वेरिएबल्स होमोजिनिटी इन अ सबसेट ऑफ डेटा। इट रेफर्स टू अ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इम्प्योरिटी मतलब गिनी, इम्प्योरिटी मतलब यार, एंथ्रोपी मतलब डिग्री ऑफ इम्प्योरिटीज या फिर डिग्री ऑफ रैंडमनेस या फिर अनसर्टिनिटी इन अ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स। द गिनी इंडेक्स एंड एंथ्रोपी आर टू कॉमनली यूज इम्प्योरिटीज इन मेजरमेंट्स इन डिसीजन ट्री फॉर क्लासिफिकेशन टास्क। हेयर वी हैव वेरियंस। वेरियंस मेजर्स हाउ मच द प्रिडिक्शन प्रिडिक्टेड एंड टारगेट वेरिएबल वेरी इन डिफरेंट सैंपल ऑफ द डेटा सेट। इट इज यूज्ड फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम इन डिसीजन ट्री। सो वेरियंस, फॉर वेरियंस के लिए हम देखो यार कौन कौन से, ये एक तरीके से कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। इसके लिए हम मीन स्क्वायर्ड एरर यूज कर सकते हैं, मतलब कि एक्स माइनस एक्स बार, मतलब एक लेंगे हर एक एक्स की जितने भी फीचर्स है उसको उसके मीन से माइनस कर देंगे और उसका स्क्वायर निकाल लेंगे। एब्सोल्यूट स्क्वायर निकालने की जगह उसका एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं। फ्रेडमैन एमएसई हो गया या हाफ जो पाइजन डेविएशन होगी, ये सब यूज होते हैं एज ए वेरियंस। ये वेरियंस हो गया। मीन स्क्वायर एरर आर यूज टू मेजर द वेरियंस ऑफ द रिग्रेशन टास्क इन द डिसीजन ट्री। फिर है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन इज अ मेजर of the reduction in impurity achieved by the splitting a data set on a particular feature in a decision tree. The splitting criteria is determined by the feature that offers the greatest information gain. It is used to determine the most informative feature to split on each node of the tree with the goal of creating pure subset. Then we have pruning, the process of removing branches from the tree that do not provide any additional information or lead to overfitting, that is called pruning. तो देखो ये root node हो गया, फिर हम इसको decision trees में तोड़ रहे हैं, ये terminal nodes हो गए, ठीक है, ये decision nodes, इसको हम sub tree बोलते हैं, ठीक है। So I hope आपको ये समझ में आया, अगर इसमें कोई doubt है तो comment कीजिए। So चलो अब program देख लेते हैं इसका, ठीक है। So इसका जो program है हमारे पास में वो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, गूगल कोलैप्स में प्रोग्राम मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने इंपोर्ट की नेसेसरी लाइब्रेरीज। पहले तो डेटा सेट लेना ज़रूरी है, तो मैंने लोड कर लिया डायबिटीज़ के लिए जो डेटा सेट है हमारा। फिर मैंने डिसीजन ट्री रिग्रेसर जो कि आपका मेरे पास में क्लासिफिकेशन मॉडल है एज ए रिग्रेसर, उसको मैंने इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने एक्सपोर्ट ग्राफिस, इसको मैंने इंपोर्ट कर लिया, ये बेसिकली ग्राफ बनाने के लिए है। और ग्राफिस से मैंने सोर्स को इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। डेटा को लोड करवा दिया सेम एक्स के अंदर, एक्स फीचर वाले जितने भी डेटा है एट्रीब्यूट्स है वो एक्स के अंदर चले जाएंगे, डेटा के अंदर जो टारगेट है वो वाई हो जाएगा, ठीक है। डिसीजन मॉडल लगा दिया भाई ट्री रिग्रेशन के ऊपर, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया डिसीजन ट्री रिग्रेसर से जो जिसका क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फिक्स करना बहुत ज़रूरी है यार, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, मीन स्क्वायर एरर जो मैंने आपको बताया था स्क्वायर एरर वाला,
ये मीन स्क्वायर भी हो सकता है, एब्सोल्यूट स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो स्क्वायर एरर है हमारा, और इसकी जो डिसीजन ट्री की जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो 2 होनी चाहिए। फिर बाद में इसके अंदर मैंने डेटा डाल दिया एक्स एंड वाई का, जिसके ऊपर ये ट्रेन करेगा। अब इसकी मदद से मैंने इसको डिसीजन ट्री को प्लॉट कर रहा हूँ मैं। तो ये हमारा मॉडल है, इसकी आउटफाइल्स जो जिसके अंदर ये सेव होगा, जो मॉडल ये सेव होगा वो होगा डायबिटीज ट्रीज डॉट 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 के अंदर, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यार ये क्या होता है, तो ये दिस इज द पैरामीटर स्पेसिफाई द नेम एंड द पाथ ऑफ द आउटपुट डॉट फाइल वे आर द डिसीजन ट्री विल सेव्ड इन दिस कोड, दिस इज कॉल्ड डायबिटीज। तो ये बेसिकली क्या है, दिस फाइल मेंशन इन द कोड स्नाइपेट, दिस इज द आउटपुट फाइल वेयर द डिसीजन ट्री विल बी एक्सपोर्टेड इन द ग्राफिस डॉट फॉर्मेट। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस कोड अ फाइल नेम, दिस पर्टिकुलर फाइल नेम विल बी क्रिएटेड इन करंट डायरेक्टरी में बन जाएगी। दिस फाइल विल कंटेन द डिसीजन ट्री रिप्रेजेंटेशन इन द ग्राफिस डॉट लैंग्वेज। जो देखिए यार, ये ग्राफिस डॉट लैंग्वेज के अंदर होगी, जो आपको मतलब अपन नॉर्मल फॉर्म में नहीं समझ पाएंगे। टू विजुअलाइज द डिसीजन ट्री यू कैन यूज ग्राफिस सॉफ्टवेयर विच प्रोवाइड्स टूल फॉर रेंडरिंग डॉट फाइल्स इनटू वेरियस आउटपुट फॉर्मेट्स लाइक पीडीएफ, पीएनजी और एसवीजी। रेंडरिंग करने के लिए आपको कोई दूसरा थर्ड पार्टी सोर्स चाहिए। देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पर ये सोर्स लेके आया हूँ, ग्राफिक्स का ही सोर्स जो रेंडरिंग के काम आ रहा है, रीडिंग करने के लिए काम आ रहा है, ठीक है। इसको रीड करूंगा मैं एफ में और इसको डाल दूंगा मैं डॉट ग्राफ के अंदर, और फिर बाद में इसको मैं सोर्स की मदद से इस पर्टिकुलर ग्राफ को मैंने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इसके अंदर फीचर नेम दे दिए मैंने, डायबिटीज के जितने फीचर्स थे, क्लास के नेम दे दिए जो भी उसके टारगेट थे, और राउंडेड उसको ट्रू रखा, फाइल को भी ट्रू रखा, ठीक है। ये राउंडेड और फाइल्ड दो, इन दो चीजों को मैंने ट्रू रखा। अगर मैं इनको ट्रू नहीं रखता, देखो फॉल्स रखता हूं, सो क्या होगा, एक सेकंड, यहां पर ये है कनेक्ट टू होस्टेड रन। यार थोड़ा सा आपका, मेरा इंटरनेट स्लो है, तो आप ये करके देख लीजिए यार, इसमें आप फॉल्स करके देख लीजिए, थोड़े थोड़े चेंजेस यार आप अपनी तरफ से करके देख लिया करो, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये राउंडेड का मतलब क्या है, फाइल का मतलब क्या है, इससे क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें आप अपनी तरफ से करके देख लो। तो देखो यहाँ पर ये डेटा आया S5, जिस अगर इसकी वैल्यू इससे कम है तो ये इधर जाएगा, अगर BMI, ये और अच्छे से समझ पाओगे जब आप सितोसा वाले उससे जाओगे ना, डायबिटीज की जगह पर आप सितोसा वाला जो एग्जाम्पल अपन यूज कर रहे थे ना इतनी टाइम से, उसके साथ जाओ यार, उसमें आपको और भी मजा आएगा। ये मैं देखो यहां से डेटा ले जाता हूं, देखो यार मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, इसके अंदर सिर्फ ये इंपोर्ट किया है लॉर्ड इरिस वाला, जो सितोसा वाले फ्लावर वाले डायग्राम नहीं है वो, बाकी सब मैंने डायबिटीज में रखा है यार, इसको मैंने चेंज नहीं किया, सिर्फ यहाँ पर डेटा सेट में लॉर्ड इरिस कर दिया बस, ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर लगाया, तो पैडल की जो विड्थ है ये अच्छे से समझ में आएगा, अगर ये लेस देन और इक्वल टू 0.8 है, स्क्वायर्ड एरर यहाँ पर 0.667 है, सैंपल वैल्यू ये क्या है, ये डेटा है यहाँ पर, ठीक है। नोड किसको दर्शाता है, डेटा को, ट्रू और फॉल्स ये यहाँ पर रूल्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये ट्रू है तो ये किसकी तरफ जा रहा है, स्क्वायर्ड एरर यहाँ पर 0.00 आ रहा है, सैंपल्स यहाँ पर 50 सैंपल्स है, कितने सैंपल्स है इस कैटेगरी में, 50 सैंपल्स, और वैल्यू कितनी है उनकी, 0.00। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसकी लेंथ जो है, अगर इससे, ठीक है, अगर इससे कम नहीं है, वो फॉल्स कैटेगरी में मतलब इससे ज्यादा है, तो उसके अंदर पैडल की विड्थ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर इससे कम है 1.75, अगेन हम यहाँ पर भी कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास में दो है, अगर ट्रू है तो इधर, फॉल्स है तो इधर, इस तरीके से मैंने मैक्सिमम डेप्थ रखी है 2, तो हमारे पास में डेटा आ जाएगा। अगर मैं इसकी मैक्सिमम डेप्थ 2 ना रखकर 4 रखता और फिर मैं इसको प्रिंट करवाने की कोशिश करता, तो ये देखिए इस तरीके से मेरा आ जाता, तो और आगे जाकर कैटेगराइज होता जाता, ठीक है। सो आई होप आपको ये डिसीजन ट्री वाला पार्ट समझ में आया है। देखो यार डॉट जो ग्राफ है बेसिकली यही ये है ना, नॉर्मल आप इसके अंदर चलाओगे ना जुपिटर के अंदर, तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां पर ये जो डॉट जो मैं फाइल बता रहा था ग्राफिक्स की, ये थोड़ी सी दिक्कत आती है उसको बनने में, ठीक है। ये पर्टिकुलरली अगर नहीं बन रही है तो आप गूगल क्लैप्स में आकर बना लो यार, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती इस पर्टिकुलर इसमें, ठीक है। और
यहाँ पर जो एग्जाम्पल मैंने पहले वाला लेके आया था ना, वो वाला एग्जाम्पल है आपका ये सितोसा वाला, तो ये हो गया ये वाला जिसके अंदर डायबिटीज का हम एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर ये डायबिटीज का, ठीक है। सो डायबिटीज में यहाँ पर आ जाएंगे बीएमआई, बीएमआई से स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। तो ये हमारा हर बार आपका जो नोड है उसके अंदर डेटा होगा, सैंपल्स होंगे, और उसके आधार पे आप स्क्वायर एरर देखेंगे कि कितने एरर्स है, कितनी रैंडमनेस है उनके अंदर। रैंडमनेस यहाँ पर देखिए आपने कि इसकी रैंडमनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पर रैंडमनेस और कम हो गई। तो जैसे जैसे आपकी जो नीचे नीचे कोड जाएगा उसकी रैंडमनेस कम होती नजर आएगी आपको। देखो रैंडमनेस कम हो रही है, कम हो रही है, और यहाँ पर रैंडमनेस जो है वो 0.00, मतलब ये यहाँ पर जो डेटा है वो एक जैसा ही है। इसकी हाइट में डेप्थ और बढ़ा देता हूँ, मैं 10 तक चले जाता हूँ, फिर इसको देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए सब के अंदर जो रैंडमनेस है वो 0.00 आ गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। आया तो गाइस लाइक बटन दबा दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।